हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनुपम गंभीर। यू आर वाचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक से चैप्टर 3 डीप वाटर, जिसके राइटर विलियम डगलस हैं, इसका हम एक्सप्लेनेशन कवर करेंगे। स्टूडेंट, बहुत इजी एक्सप्लेनेशन है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर का एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन। आई हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। ये स्टोरी तब घटित हुई जब मैं 10 या 11 साल का था। तो स्टूडेंट, ये जो आई है वो हमारे ऑथर है विलियम डगलस। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे तैरना सीखना है। देयर वॉज ए पूल एट द YMCA इन याकिमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। YMCA की फुल फॉर्म स्टूडेंट याद दी है, जो YMCA इसकी फुल फॉर्म है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। तो ऐसी जगह थी जहां पर क्रिश्चियन लोग वो सीखने जाते थे क्या, स्विमिंग करना। अब उसके बाद दिया है याकिमा। तो याकिमा स्टूडेंट आप प्लेस है इन वॉशिंगटन में, USA के वॉशिंगटन में एक जगह का नाम है। तो ऑथर डिसाइड कर लेते हैं कि मैं कहां जाऊंगा स्विमिंग सीखने, YMCA के पूल में स्विमिंग सीखने जाऊंगा। मदर कंटिन्यूसली वॉर्न अगेंस्ट इट। जो उनकी मम्मी थी वो हमेशा उनको इसके खिलाफ, किसके खिलाफ, जो याकिमा रिवर थी वहाँ उसके खिलाफ उनको हमेशा वॉर्न करती, चेतावनी देती रहती थी हमेशा। एंड कैप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल ऑफ ईच ड्रॉविंग द रिवर, और उस रिवर के डेंजर्स के बारे में उनको बताती रहती थी। बट द YMCA पूल वॉज सेफ। वो याकिमा एक रिवर थी USA में जो कि बहुत डेंजर थी, तो उनकी मदर उनको हमेशा उसके डेंजर्स के बारे में बताती रहती हमारे राइटर को। तो जिससे उन्होंने याकिमा रिवर में स्विमिंग सीखना डिसाइड ना किया और उन्होंने YMCA पूल को सेफ समझा। बट द YMCA पूल वो सेफ, उन्होंने उनको पता चल गया कि ये YMCA पूल उनके लिए ज़्यादा सेफ है। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शेलो एंड एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द तो शेल। स्टार्टिंग से तो वो केवल 2 or 3 feet ही डीप था, लेकिन थोड़ा आगे जाकर द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, उसकी डीपनेस बढ़ जाती है और वो 9 feet का होता है बीच में से पूल। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। मैंने दोनों हाथों में वाटर विंग्स पहने। वाटर विंग्स किसे कहते हैं स्टूडेंट, स्विमिंग सीखने के लिए जो अपने हैंड्स में पहने जाते हैं ना, उसे कहते हैं। तो उन्होंने अपने हैंड्स में वाटर विंग्स पहने और पूल में गए। I hated to walk naked into it and show my skinny legs, but I subdued my pride and did it. तो स्टूडेंट वो कह रहे हैं ऑथर कि मुझे बिना कपड़ों के स्विमिंग करने जाना बहुत ही हेट लगता था, मतलब मैं इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो जो स्किनी लेग की मेरी जो पतली पतली टांगे हैं वो दिखें। बट आई सब्ड्यूडेड, लेकिन फिर भी मैंने इसको क्या किया, ओवरकम किया और अपने प्राइड यानी कि सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए मैं स्विमिंग सीखने बिना कपड़ों के गया। From the beginning, however, I had an aversion to the water when I was in it. आगे ऑथर कह रहे हैं कि aversion की मीनिंग होती है स्टूडेंट डिसलाइक, कि वो ना पसंद करते हैं। कह रहे हैं कि मैं स्टार्टिंग से ही बिल्कुल स्विमिंग करना या पानी में उतरना बिल्कुल पसंद नहीं करता था। This started when I was 3-4 years old and father took me टू द बीच इन कैलिफोर्निया। ऑथर कहते हैं कि ये मेरा डर कब शुरू हुआ, कि जब मैं 3 or 4 साल का था और मैं अपने पिताजी के साथ कैलिफोर्निया बीच पर गया था। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। वे मतलब कि उनके पापा और वे दोनों, सर्फ की मीनिंग होती है वेव ऑफ द सी, तो सी लहर के पास बिल्कुल खड़े हुए थे। आई हंग ऑन टू हिम यर द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। और एकदम से एक बड़ी सी लहर पानी की आई, ऑथर को धक्का लगता है और ऑथर पानी में गिर जाते हैं। स्टूडेंट जैसा कि ये पिक में भी दिखाया गया है कि किस प्रकार से समुद्र की बड़ी सी लहर आई और ऑथर पानी में गिर गए और पूरी तरह से उस सी लहर ने हमारे ऑथर को ढक दिया। आई वॉज बरीड इन वाटर। ऑथर कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पानी में बिल्कुल डूब गया हूँ। माई ब्रेथ वॉज गॉन और मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं बहुत डर गया था। फादर लाफ्ड, उनके पिताजी हंसे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव।
लेकिन मेरे जो अंदर पानी की ये जो वेव का डर था वो बहुत ही ज़्यादा, पानी में वैसे ही डरते थे स्टार्टिंग से, लेकिन इस घटना के बाद तो हमारे ऑथर और भी ज़्यादा स्विमिंग सीखना या पानी में जाने से डरने लगे। नेक्स्ट पैराग्राफ है, माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टिर्ड चाइल्डिश फियर। अब ऑथर फिर स्टार्टिंग की बात बताते हुए कह रहे हैं कि जब मैं 10-11 साल का था और YMCA स्विमिंग पूल में जा रहा था तो मुझे वही बचपन का डर जो पानी की लहर ने उनको ठग दिया था, वही बचपन का डर उनको याद आ जाता है। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर कॉन्फिडेंस, लेकिन फिर भी वो कॉन्फिडेंस के साथ स्विमिंग सीखने के लिए जाने लगते हैं। आई पैडल विद माई न्यू वाटर विंग्स वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग दैम। एपिंग का मतलब होता है कॉपी करना, नकल करना। तो क्या करते थे वो YMCA के पूल में जाकर अदर बॉय दूसरे बच्चों को देखकर, दूसरे बॉयज को देखकर स्विमिंग करने की कोशिश करते रहे अपने वाटर विंग्स के साथ। आई डिड दिस 2 or 3 टाइम्स ऑन डिफरेंट डेज। ये उन्होंने 2 या 3 ही बार किया था और अलग अलग दिनों में 2-3 बार किया था केवल। एंड वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज इन द वॉटर वैन द मिस एडवेंचर हैपन। जब इन्होंने केवल 2-3 बार ही YMCA के पूल में गए और स्विमिंग सीखना स्टार्ट ही किया था और पानी के डर से वो बाहर ही निकल रहे थे, तभी एक मिस एडवेंचर यानी कि एक बहुत बुरी घटना फिर घटित होती है। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर। अब मैं एक बार पूल में गया तो वहाँ पे आसपास कोई भी नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, प्लेस बिल्कुल शांत था। द वॉटर वॉज स्टिल एंड द टिल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथटब। तो जो स्विमिंग पूल में जाके उन्होंने देखा कि वो बाथटब की तरह बिल्कुल वाटर बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई दे रहा था, क्योंकि वहाँ कोई था ही नहीं और बाथटब की तरह पानी बिल्कुल नीचे तक दिख रहा था, साफ था पानी। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन। मैं अकेले स्विमिंग करने जाने में डरता था। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स। इसलिए वो दूसरे लड़कों का इंतजार करने के लिए पूल में साइड पर बैठ जाते हैं। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन आई केम अ बिग ब्रूसर ऑफ अ बॉय। ब्रूसर की मीनिंग होती है स्टूडेंट लार्ज स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव पर्सन, बहुत ही बड़ी बड़ी मसल्स वाला, स्ट्रॉन्ग मसल्स वाला बड़ा सा लड़ाकू एक लड़का वहाँ पे आया। तो ऑथर कह रहे हैं कि मुझे वहाँ बैठे हुए पूल के पास कुछ ही देर हुई थी, मतलब ज़्यादा समय नहीं हुआ था कि एक 18 ईयर्स का बॉय आता है वहाँ पे और जिसकी मसल्स होती हैं बहुत बड़ी बड़ी मसल होती है, स्ट्रॉन्ग मसल वाला वह लड़का था। He had thick hair on his chest, और उसकी चेस्ट पे बहुत घने बाल थे। He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles. ऑथर कह रहे हैं कि 18 ईयर का बॉय था और उसकी मसल, उसके हाथ और पैरों के मसल्स दिखाई दे रही थी। He yelled, Hi skinny, how did you like to be dunked? Dunked का मतलब पानी में धक्का देना। तो कहते हैं हेलो पतले लड़के, अगर तुम्हें पानी में कोई धक्का दे दे तो तुम्हें कैसा लगेगा। विद डैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इन टू द डीप इन। इतना कहते हुए उन्होंने उस लड़के ने हमारे ऑथर को उठाया और जैसे टॉस उछाला जाता है ना उस तरह से ही पानी के अंदर उनको फेंक दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, और जैसे ऑथर बैठे हुए थे और सिटिंग पोजीशन में उन्होंने उसको पानी में धक्का दे दिया। Shallowed water and went at the once of the to the bottom. वो शैलो वाटर के पास थे और लेकिन उनको जब उन्होंने धक्का दिया उछाल के फेंका टॉस की तरह तो डीप वाटर की तरह फेंका। I was frightened, मैं बहुत डर गया था, but not yet frightened out of my wits. ऑथर कह रहे हैं कि पानी में जैसे ही धक्का दिया मैंने पानी को शैलो निकलता गया मतलब, और मैं डर तो गया था लेकिन इतना भी नहीं डरा था कि मेरी बिल्कुल बुद्धि काम ना करे। On the way down, I plunged. When my feet hit the bottom, और मैंने प्लान किया कि जैसे ही बॉटम पे जाकर मैं पानी को हिट करूँगा आई वुड मेक अ बिग जंप, और वहाँ से बहुत बड़ी जंप लगाऊंगा, कम टू द सरफेस और सरफेस पे आ जाऊँगा, लाई फ्लैट ऑन इट, फ्लैट लेट कर एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल। लेट कर और पैडल करते हुए यानी कि जोर जोर से पैर को चलाते हुए मैं पूल के एज यानी कि किनारे तक आ जाऊँगा। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, बहुत ही गहरा
रहा था, ये रास्ता बहुत ही लंबा दिखाई दे रहा था। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90। वो जो 9 फीट का स्विमिंग पूल था गहराई में बीच से, वो ऐसा लग रहा था कि वो 90 का हो गया है। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट। और बॉटम पे पहुंचने से पहले जो मेरे लंग्स थे वो बहुत फड़फड़ा रहे थे। बट वेन माई फीट हिट बॉटम आई समन ऑल माई स्ट्रेंथ। लेकिन जैसे ही मैं बॉटम पर पहुंचा तो मैंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ को गैदर्ड किया, समन मतलब उसको इकट्ठा किया अपनी पूरी स्ट्रेंथ को, एंड मेड वट आई थॉट वॉज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड। और मैं सोच ही रहा था कि जैसे ही मैं बॉटम पे जाऊंगा तो मैं स्प्रिंग मतलब पुश देकर ऊपर की तरफ आ जाऊंगा। आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क। अब कॉर्क किसे कहते हैं, शैंपेन की जो बोतल होती है उसका ढक्कन को खोलो तो एकदम वो प्रेशर के साथ ऊपर को उठता है ना ढक्कन, तो कहता है ऐसी मैं बॉटम पे जाऊंगा और बहुत बिग जंप लगाकर सरफेस तक आ जाऊंगा। इंस्टीड आई केम अप स्लोली। ऑथर कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, मैं तेजी से ऊपर को नहीं आ पाया, धीरे से ही आ पा रहा था। आई ओपन माई आईज एंड सा नथिंग बट वॉटर दैट हैड डर्टी येलो टिंज टू इट। आगे ऑथर कहते हैं कि जो वाटर था वो बहुत ही येलो यानी कि डर्टी वाटर था, और मुझे हर तरफ वाटर ही वाटर दिख रहा था। आई ग्रियो पैंकी, और मैं बहुत ही घबरा रहा था, उस समय मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। आई रेज्ड अप एज इफ टू ग्रैब आ रॉप एंड माई हैंड्स क्लस्ड ओनली एट वाटर। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे रस्सी दे और मैं उसको पकड़ के सरफेस तक आऊं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वहां पे वाटर ही वाटर था। आई वॉज सफोकेटिंग, और मुझे सफोकेटिंग मतलब घुटन सी होना, और कह रहे मुझे बहुत ही घुटन सी महसूस हो रही थी। आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड कम आउट। मैंने बहुत ही कोशिश करी हेल्प मांगने की, लेकिन कोई आवाज नहीं आई कहीं से, कोई भी मुझे हेल्प नहीं मिली। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ वाटर बट नॉट माई माउथ। तो तब मेरी आंखों नोज तक पानी आ गया, बस मेरा मुंह बचा हुआ था। मतलब जैसे उन्होंने कोशिश करी ना बाहर आने की, तो उनका केवल थोड़ा सा फेस ही बाहर था, बाकी वे पूरे पानी में थे। आई फील इट एट द सरफेस ऑफ वाटर स्वेलोड एंड चॉक्ड। ऑथर कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल हिट नहीं कर पा रहा था, हिट करके बहुत तेज ऊपर नहीं आ पा रहा था, और पानी को मैं स्वैलोड करता जा रहा था, और चॉक्ड ऐसा लग रहा था कि मैं बिल्कुल पानी ने मुझे ब्लॉक कर दिया, चॉक्ड मतलब ब्लॉक कर दिया है। आई ट्राइंग टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने बहुत कोशिश करी कि अपने टांगों से मतलब ऊपर को जोर लगाऊं और सरफेस तक आऊं, बट दे हंग एज डेड वेग्स पैरालाइज्ड एंड रिजिड। लेकिन बिल्कुल जो पैर थे उनके वो पैरालाइज्ड मतलब नॉट मूव, बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहे थे, और बिल्कुल कठोर रिजिड मतलब कठोर हो गई थी उनकी टांगे। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, और एक बहुत ऐसा लग रहा था उनको कि बहुत ही बड़ा फोर्स उनको नीचे की तरफ धक्का दे रहा है। आई स्क्रीम्ड बट ओनली द वाटर हर्ड मी, मैंने बहुत कोशिश करी बाहर निकलने की लेकिन मेरी कोई भी नहीं सुन रहा था, अर्थात मेरी कोई हेल्प नहीं हो पा रही थी। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और करते करते ऐसे ही मैं पूल के बॉटम तक पहुंच गया। आई स्ट्रक एट द वॉटर एज आई वेंट डाउन एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन नाइटमेयर फाइट एन इरेस्टिबल फोर्स। तो अब ऑथर कह रहे हैं कि मैंने बहुत जोर लगाया लेकिन मैं नीचे की तरफ ही जा रहा था, और जो मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी जो जितनी भी मेरी फोर्स है, शक्ति है मेरी, वो सारी खर्च होती जा रही थी, और मैं ऐसा हो रहा था कि जैसे नाइटमेयर का मतलब था बुरे सपने, जैसे बुरे सपने एक व्यक्ति को आते हैं और वो चारों तरफ से घिर जाता है, तो उसी प्रकार मेरी भी हालत हो ही जा रही थी। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, और मेरी सांसें भी बंद होती जा रही थी। माई लंग्स एक्ड, माई हेड थ्रॉब्ड, और जो मेरे लंग्स थे उनमें भी पेन होने लग गया था, और हेड जो है मेरा सिर है थ्रॉब्ड मतलब फेल्ट पेन इन सीरियस ऑफ बीट्स, यानी कि मैं बिल्कुल ही थक चुका था, और बिल्कुल मेरी जो स्फूर्ति बिल्कुल थ्रॉब्ड यानी कि स्फूर्ति मेरी बिल्कुल ब्लॉक हो गई थी, खत्म हो गई थी। आई वॉज गेटिंग डिजी, डिजी की मीनिंग होती है बेहोश होना, और कह रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बेहोश हो रहा हूँ। बट आई रिमेम्बर द स्ट्रेटजी, लेकिन मुझे एक स्ट्रेटजी अभी भी याद थी कि आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पुल एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सर्फेस। शैंपियन की जो बोतल का ढक्कन होता है उसे कॉर्क कहते हैं, कह रहे हैं लेकिन फिर भी मुझे एक स्ट्रेटेजी याद थी कि मैं जैसी बॉटम पे जाऊंगा मैं अपने पैरों पे जोर लगाकर बड़ी सी जंप लगाकर सर्फेस तक आ जाऊंगा, और पैडल करता हुआ अपने पैरों को हिलाते हुए मैं
सरफेस के एज तक पहुंच जाऊंगा, पूल के एज तक पहुंच जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन वाटर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मैं पानी में बिल्कुल फ्लैट लेट गया। स्ट्रेच्ड आउट विद माय आर्म्स एंड थ्रस्ट विद माय लेग्स, और जो मेरे हाथ पैर थे वो बिल्कुल ढीले पड़ते जा रहे थे, मतलब मैं फोर्स लगा के उनको ऊपर की तरफ नहीं आ पा रहा था। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, यानी कि मैं पूल के किनारे तक आने में अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पा रहा था। आई वेंट डाउन डाउन इनलेसली, और मैं नीचे जाता गया और मैं बिल्कुल नीचे पहुंच गया। आई ओपन माई आईज, नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, डार्क वाटर डैट वन कुड नॉट सी थ्रू। और वो कह रहे हैं कि मैंने अपनी जैसी आईज खोली तो मैंने देखा वहाँ पे बहुत डार्क येलो वाटर है, यानी कि डर्टी वाटर है, और जिससे कि कुछ भी उनको साफ साफ दिख नहीं रहा था। एंड देन शीर स्टाफ टेर सीज्ड मी, टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट। आगे ऑथर कहते हैं स्टार की मीनिंग होती है स्टूडेंट बहुत ज्यादा, और टेरर मतलब किसी चीज का डर। कह रहे ऐसे डर ने मुझे, किसी डर ने मुझे सीज्ड मतलब उसको जकड़ लिया था, मुझे जकड़ लिया था। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, ऐसा टेरर जिसको कोई नहीं समझ सकता। टेरर दैट नो कंट्रोल, ऐसा डर जिसपे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज नॉट एक्सपीरियंस इट, और ऐसा डर जिसने इसको एक्सपीरियंस नहीं किया ऐसे डर को, तो वो इस बात को नहीं समझ सकता कि मैं कितना डरा हुआ था। आई वॉज स्ट्राइकिंग अंडर वाटर, आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, स्टिफ्ट रिजिड विथ फियर। मैं कह रहे हैं, ऑथर कह रहे हैं कि मैं पानी के अंदर डूबता ही जा रहा था। पैरालाइज्ड मतलब मैं बिल्कुल अपने हाथ पैरों को मूव नहीं कर पा रहा था, और ये रिजिड, ये जो मेरे हाथ पैर थे वो डर के मारे बिल्कुल रिजिड यानी कि कठोर हो गए थे। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रॉट वर फ्रोजन, और मेरे गला बिल्कुल ऐसे जम गया था। ओनली माई हार्ट एंड पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव। कह रहे मैं ऐसे गले से तो बिल्कुल आवाज ही नहीं निकल पा रही थी, कोशिश कर रहा था कुछ चीखने चिल्लाने की, लेकिन मैं मेरी आवाज नहीं निकल पा रही थी। और पाउंडिंग इन माय हेड मतलब मेरे सिर्फ में जो रिपीटेड ब्रीथ हो रही थी उससे ही पता चल रहा था कि मैं जीवित हूँ, वरना तो मैं मर ही गया था। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन, आई मस्ट रिमेम्बर टू जम्प। व्हेन आई हिट द बॉटम एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, माय टो was reached out as if to grab them, I jumped with everything I had. मिडिस्ट की मीनिंग होती है स्टूडेंट बीच में, तो इतने टेरर के बीच में उनको फिर वही बात याद आती है कि मैं बॉटम पे जाऊंगा और बहुत बड़ी सी जंप लगाऊंगा और मैं सरफेस पे आके एज तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन क्या होता है कि वो जो नीचे पहुंचते हैं उनके टोज जो बॉटम से टकराते हैं और वो पानी में डूबते ही नजर आते हैं, वो कोई भी जो उनके जितने भी एफर्ट होते हैं वो सब बह जाते हैं और वे सोचते हैं बट द जंप मेड नो डिफरेंस। कह रहे हैं कि मैं जंप तो लगा मतलब मैंने जंप लगाने की कोशिश करी लेकिन उसमें कोई डिफरेंस नहीं था, यानी कि जो मैं जंप लगा रहा था वो बिल्कुल एफर्ट मेरे बेकार जा रहे थे, वैसा जंप मैं नहीं लगा पा रहा था जो स्ट्रेटेजी मैंने सोच रखी थी। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, चारों तरफ मेरे पानी पानी था। आई लुक्ड फॉर रॉप्स लैडर वाटर विंग्स, नथिंग बट वाटर। कह रहे हैं मैंने बहुत ही कोशिश करी कि मुझे कोई रस्सी, कोई सीढ़ी, कोई विंग्स, वाटर विंग्स मिल जाए जिसकी हेल्प से मैं बाहर आ सकूं। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, लेकिन ये येलो कलर के जो पानी ने, डर्टी वाटर ने मुझे घेर रखा था चारों तरफ से। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आई शोक एट ट्रेम्बल्ड विद फाइट, My arms would not move, my legs would not move. I tried to call for help, to call for mother, nothing happened. ऑथर कहते हैं कि मैं पूरे तरह से पानी के बीच में, चारों तरफ से मैं पानी से ढका हुआ था, अर्थात मैं पानी में डूबता जा रहा था और कोई भी मेरी हेल्प के लिए नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के, मुझे इलेक्ट्रिसिटी के शॉक लगाए जा रहे हैं और मैं इन शॉक से मतलब इसके भय से बहुत ही ज़्यादा डर चुका था, और मेरे आर्म्स बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे, मेरी लेग्स बिल्कुल मूव नहीं कर रही थी, और मैं कोशिश कर रहा था कि कोई मेरी हेल्प करे, इवन कि मेरी मदर को मैं बुलाने की कोशिश कर रहा था, नथिंग हैपन, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ और मैं पूरी तरह से पानी में डूब चुका था।
एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, और अचानक से उनको लाइट दिखाई देती है. आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर. फिर वो एक बार थोड़ा सा ऊपर आते हैं पानी से, उनका जो आंखें हैं वो बाहर देखती हैं. एट लीस्ट माई आईज वर, माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू. वो कह रहे हैं कि केवल मेरी जो आंखें थी वो थोड़ी सी पानी के बाहर थी और नोज तक मैं पानी के अंदर था, बाकी पूरा हिस्सा मेरा पानी के अंदर था. और उनको क्या दिखाई दे रहा था बाहर, लाइट दिखाई दे, यानी कि सनलाइट दिखाई दे रही थी. येलो लाइट जो उनको दिख रही थी, लाइट दिख रही थी, वो सनलाइट थी. देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम. अब मैं फिर तीसरी बार फिर नीचे जा रहा था. आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट. और फिर वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं फिर डूब रहा हूँ और वही येलो पानी के अंदर मैं जाता जा रहा हूँ और जो लाइट थी वो अब मुझे फिर नहीं दिख रही थी. देन ऑल एफर्ट सीज, और फिर से मेरे जितने भी एफर्ट लगाए हुए वो एंड हो गए थे. सीज्ड मतलब बिल्कुल रुक गए थे. आई रिलैक्स्ड, इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्ब, और जो मेरी लेग्स हैं वो बिल्कुल लिम्ब पड़ गई थी, यानी कि बेजान हो गई थी. एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और मेरे चारों तरफ मुझे क्या दिखा रहा था, बिल्कुल कालापन दिख रहा था. इट वाइप्ड आउट फियर, अब मैं बिल्कुल डर से बाहर आ गया था. इट वाइप्ड आउट टेरर, बिल्कुल भय से निकल चुका था. देयर वाज नो मोर पैनिक, अब मुझे कोई घबराहट भी नहीं हो रही थी. इट वाज क्वाइट एंड पीसफुल, अब मुझे शांति नजर आ रही थी. नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, इट इज नाइस to be drowsy, to go to sleep, no need to jump, to tired, to jump. ऑथर कहते हैं कि अब मैं drowsy यानी कि स्लीपी पोजिशन में आ रहा था, मैं बिल्कुल सोता जा रहा था, मुझे जंप लगाने की भी कोई नीड नहीं थी और ना ही कोई जंप लगाकर बाहर निकलने की मैं कोशिश कर रहा था. तो स्टूडेंट यहाँ वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब वो बिल्कुल डेथ की कगार पे आ गए हैं. वो फील कर रहे हैं कि मैं तीसरी बार भी अब नीचे जा रहा हूँ, मेरे सारे एफर्ट बेकार जा रहे हैं, यानी कि लगभग मेरी डेथ अब निश्चित है. तो जो पहले उनको डेथ का डर था और डेथ आने के बाद वो नहीं डर रहे थे, तो स्टूडेंट हमें ऑथर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो डेथ का डर है वो डेथ से ज्यादा डरावना होता है. इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, उनको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे बहुत ही आराम के साथ कोई लिए जा रहा है. टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि वो स्पेस में फ्लोटिंग यानी कि तैर रहे हैं. टेंडर आर्म्स अराउंड मी, और मुझे ऐसा लग रहा है, ऑथर कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई सॉफ्ट आर्म्स मुझे पकड़े हुए हैं. टेंडर आर्म्स लाइक मदर, ऐसी सॉफ्ट आर्म्स जो मदर की होती हैं. नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, और अब मुझे बिल्कुल मैं स्लीपिंग पोजीशन में जा रहा था और मैं बिल्कुल सोता जा रहा था. आई क्रोज्ड टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ, मैं मेरे को कह रहे हैं ऑथर कि मुझे बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मेरी लाइफ का कर्टेन है वो नीचे गिर रहा है. क्योंकि जब कुछ नाटक वगैरह खत्म होता है तो कर्टेन नीचे, ड्रामा खत्म होता है तो कर्टेन नीचे झुका दिया जाता है ना. तो कह रहे हैं अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बिल्कुल डेथ की कगार पर हूँ और मेरी लाइफ का पर्दा गिर गया है. द नेक्स्ट आई रिमेम्बर्ड, आई वॉज लेइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग. अब इसके बाद ऑथर को बिल्कुल कुछ याद नहीं है. इसके बाद वो क्या याद करते हैं, अपने आप को ध्यान में लाते हुए, कहाँ का ध्यान आता है उनको कि वो स्विमिंग पूल के किनारे पर लेटे हुए हैं, सरफेस पे किनारे पर लेटे हुए हैं और स्टोमक के बल पे लेटे हुए हैं, पेट के बल, और वॉमिटिंग कर रहे हैं. चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, और जिस लड़के ने मुझे पानी में फेंका था वह किसी से कह रहा था. बट आई वॉज ओनली फूलिंग, लेकिन मैं तो केवल मजाक कर रहा था. समवन सेड, अब किसी ने जिन्होंने उनको जाके बचाया होगा, वो ट्रेनर रहे होंगे जो स्विमिंग सिखाने में आते थे, अचानक आए होंगे और उन्होंने ऑथर को बचाया होगा, तो वो क्या कह रहे हैं, किड नियरली डाइड, ये बच्चा तो केवल मरने की कगार पर, बस मरने ही वाला था. बी ऑल राइट नाउ, अगर मैं ठीक समय पर नहीं आता, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, अब इसको लॉकर रूम में लेके चलो. चेंजिंग रूम होता है ना, कपड़े वगैरह बदलते हैं स्विमिंग के लिए. सेवरल आवर्स लेटर आई वॉक्ड होम, और कुछ घंटों के बाद मैं घर गया. आई वॉज वीक एंड ट्रेवलिंग, मैं बहुत पतला हो कमजोर हो चुका था ट्रेवलिंग में, कांप रहा था. आई शूक एंड क्राइड वेन आई ले ऑन माई बेड, और जब मैं बेड पे लेटा तो मैं चिल्ला रहा था. आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, और उस रात मैंने कुछ नहीं खाया था. फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, और अब यह डर फिर से, पानी का डर उनके हृदय में आ गया था. द स्लाइटेस्ट एक्सर्टन अपसेट मी, मेकिंग मी वॉबी इन द नीज एंड सिक टू माई स्टोमक.
अब विलियम डगलस कह रहे हैं कि इस इंसिडेंट के बाद मैं इतना अपसेट हो गया था और मैं बहुत ही वीक हो गया था, वो भी मतलब वीक हो गया था, और मेरे जो घुटने हैं वो भी बहुत कमजोर पड़ गए थे और मेरे स्टमक में भी दर्द रहने लगा था। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, अब इसके बाद मैं कभी पूल में, स्विमिंग पूल में नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मैं पानी से फिर डर गया था। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, और मैं अवॉइड करूंगा पानी में जाना जितना कि मेरे से हो सके। एक बार तो तब वे डरे थे पानी से जब वे अपने फादर के साथ बीच पे गए थे और एक बड़ी सी लहर ने उनको पानी से ढक दिया था, और अब दूसरी बार फिर जब उन्हें एक लड़के ने पानी के बीच में, स्विमिंग पूल के बीच में धक्का दे दिया था, तो तब उनका एक बार फिर से डर वापस आ गया था। नंबर 27, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ। अ फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कैस्केड आई वॉन्टेड टू गेट इन टू देम। विलियम डगलस कहते हैं कि कास्केड स्टूडेंट होता है पानी का झरना, कि उसके बहुत सालों बाद जब ये इंसिडेंट घटी कि जब उनको पूल में फेंका था एक लड़के ने, उसके बाद वे बाहर आए, उनकी जान बची, तो उसके कई सालों के बाद वे कहते थे कि जब मेरा कभी भी किसी पानी के झरने में या कहीं वाटरफॉल देखने के जाने का मन भी होता था तो आई वॉन्टेड टू गेट इन टू देम, मैं उसमें जाना भी चाहता था। एंड वेन एवर आई डिड, और जब भी मैं ऐसा करना चाहता था, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन वर्म लेक ऑफ द गोल्ड रॉक, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक। तो स्टूडेंट, ये जगह का नाम बताया गया है कि जो टाइटन के वेडिंग, ये पानी की जो जगह थी, या बम्पिंग रिवर थी, या वार्म लेक थी, और गॉड रॉक थे, तो ये कभी भी मैं इन पानी वाली जगह पे जाने का मेरा मन भी होता था तो वो टेरर, वो भय मुझे सीज, यानी कि मुझे जकड़ देता था, मुझे बिल्कुल ब्लॉक कर देता था वहां जाने के लिए, और मैं ऐसा सोचता हुआ, उसी डर को सोचता हुआ, मैं कम बैक यानी कि वापस आ जाता था, वापस घर आ जाता था। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, और इस पोजीशन ने मुझे बिल्कुल पूरी तरह से जकड़ रखा था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरी जो टांगे थी वो बिल्कुल पैरालाइज यानी कि मूव नहीं कर रही थी। आईज हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, मेरा दिल भी पूरी तरह से डरा हुआ था। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, और ऐसा बहुत सालों तक चलता रहा। इन कैनोज ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंड लॉक सैल्मन। अब ऑथर कहते हैं कैनोज मतलब होता है स्मॉल बोट, कि ये जो मेन लेक की स्मॉल बोट थी वहाँ फिशिंग करने के लिए, ये सैल्मन नाम की फिश की बात करते हुए कह रहे हैं कि जो वहाँ सैल्मन फिश थी बास फिशिंग में, या न्यू हैम्पशायर थ्रॉट फिशिंग ऑन द डैचेट्स एंड मिटोलियस इन ऑरिगन, फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया एट बम्पिंग लेक इन द कास्केड वेट वेयर एवर आई वेंट द हाउंटिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स। तो स्टूडेंट, ये कुछ जगह का नाम, कुछ फिश का नाम यहाँ बता रहे हैं कि मैं कभी भी इनमें जाने की कोशिश करता था शौक के तरीके पे, अगर मैं किसी फिश को पकड़ने, किसी लेक पे बम्पिंग फिश को पकड़ने लेक पे जाने की कोशिश भी करता था, या मेरी इच्छा भी होती थी, तो लेकिन वही डर, वही पानी का डर मुझे फॉलो करता था और मैं पूरी तरह से अपनी फिशिंग ट्रिप को नष्ट कर देता था, यानी वहीं पे रोक देता था। डिराइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग बोटिंग एंड स्विमिंग, तो इसी ने मुझे ले जाकर वहीं उसी डर पे ले जाकर छोड़ दिया था, ना कभी मैं बोटिंग स्विमिंग और स्मॉल फिश का कभी भी मैं जॉय यानी कि मजा नहीं ले पाता था। किसके कारण? उसी डर के कारण, पानी के डर के कारण। आई यूज एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर बट आई हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप। विलियम डगलस कहते हैं कि मैंने इस फियर से ओवरकम करने के लिए बहुत ही दृढ़ता के साथ निश्चय किया, लेकिन फिर भी उस ग्रिप ने मुझे जकड़ रखा था। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, और एक बार अक्टूबर में मैंने डिसाइड किया कि अब मैं एक इंस्ट्रक्टर की हेल्प से स्विमिंग करना सीखूंगा। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस 5 डेज अ वीक एन आर ईच डे। अब वो कह रही है कि मैं हर हफ्ते 5 दिन स्विमिंग सीखने के लिए जाता था और एक एक घंटा 5 दिनों में रोज एक एक घंटा स्विमिंग सीखता था। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, और इंस्ट्रक्टर ने मेरे चारों तरफ एक बेल्ट बांध दी थी। अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट went through a pulley that ran
ऑन एन ओवर हेड केबल। आप कह रहे हैं कि एक तो उन्होंने पुले की तरह, पुले क्या होता है कि जिसका एक सिरा एक तरफ और दूसरा सिरा दूसरी तरफ किसी चीज से बांध दिया जाता है, तो उसी प्रकार से पुले के अकॉर्डिंग वो कह रहे हैं कि मेरे को इंस्ट्रक्टर ने एक सिरा मेरी बेल्ट के साथ, जो मेरी वेस्ट के चारों तरफ बेल्ट लगाई थी उससे बांध दिया, और एक उन्होंने अपने साथ बांध लिया था। इसलिए आप देख सकते हैं जैसा कि इस पिक में दिखाया गया है कि पुले की तरह इंस्ट्रक्टर जो उनको स्विमिंग करना सिखा रहा था हमारे ऑथर विलियम डगलस। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल आर आफ्टर आर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक। अब स्टूडेंट वो कह रहे हैं कि इसी प्रकार से हम स्विमिंग सीखते थे, तो बैक एंड फोर्थ यानी कि आगे पीछे होते रहते थे, आर आफ्टर आर घंटों के घंटों बाद, डे आफ्टर डे दिन के दिन बाद, वीक आफ्टर अ वीक, ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी। लेकिन इतना सीखने के बाद भी कि वही पैनिक, वही भय ने मुझे जकड़ रखा था, ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज। तो जब कभी भी इंस्ट्रक्टर मुझे थोड़ा रिलैक्स कर देते थे, मतलब छोड़ देते थे मेरी रस्सी को थोड़ा सा, और मुझे फिर वही डर मेरा वापस आ जाता था और मेरी लेग्स फिर से फ्रोज होने लगती थी यानी कि जमने लगती थी। इट वॉज 3 month बिफोर द टेंशन बिगिन टू स्लैक। अब 3 month के बाद ये टेंशन थोड़ी सी पहले से रिड्यूस होने लगी थी, स्लैक मतलब रिड्यूस कम होने लगी थी। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल। जब इंस्ट्रक्टर ने उनको सिखाया होगा कि किस प्रकार फेस रखना है और पानी के अंदर एक्सहेल या इनहेल करना है, आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 times, इसी को मैंने 100 times तक रिपीट किया। बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर। तो ये सब एक्सरसाइज मैं करता था, लेकिन जैसे ही मैं पानी के अंदर जाता था तो वही डर फिर मुझे सीज कर देता था यानी कि जकड़ देता था। नेक्स्ट ही हेड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हेड मी किक विद माई लेग। और इसके बाद इंस्ट्रक्टर ने एक बार पूल की साइड पे मुझे छोड़ दिया था और मेरी लेग्स जो है मेरे लेग्स पे किक किया। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, वीक तक मैं ऐसी प्रकार करता रहा। एट फर्स्ट माई लेग रिफ्यूज टू वर्क, पहले तो मेरी लेग्स ने काम करने से इनकार कर दिया, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड एंड फाइनली आई कुड कमांड देम। और फिर धीरे धीरे मैंने उनके कमांड को फॉलो करना स्टार्ट किया। दस पीस बाय पीस, इस प्रकार टुकड़ों टुकड़ों में ही बिल्ट अ स्विमर। तो उन्होंने मुझे क्या बना दिया, स्विमर बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और ये जो विलियम डगलस थे वो हर टुकड़े में मतलब स्विमिंग के हर पार्ट में एक्सपर्ट होते जा रहे थे, ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। फिर उन्होंने एक बार स्विमिंग पूल का पूरा चक्कर लगाने के लिए मुझे कमांड किया। इन अप्रैल ही सेड, और अप्रैल में उन्होंने कहा नाउ यू कैन स्विम, कि अब तुम अपने आप स्विमिंग कर सकते हो। डाइव off and swim the length of the pool, crawl stroke। तो ये स्ट्रोक जो है ये क्रॉल है, स्विमिंग का स्ट्रोक होता है। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार मैं स्विमिंग की लेंथ पूरी पूल की लेंथ तक चक्कर लगा के आया और मैंने क्रॉल स्ट्रोक भी सीख लिया। आई डिड, हाँ मैंने ये कर लिया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, और इंस्ट्रक्टर ने कहा कि अब आप परफेक्ट हो गए हो। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मैं पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल। अब इंस्ट्रक्टर ने तो अपना काम फिनिश कर दिया था, लेकिन जो हमारे विलियम डगलस हैं, ऑथर हैं, वो कह रहे हैं कि मैं पूरी तरह से, मेरा फिनिश नहीं हुआ था, अर्थात मैं पूरी तरह से परफेक्ट स्विमर नहीं बना था। आई स्टिल वंडर्ड, मैं फिर भी डर रहा था कि कहीं वही डर फिर से मुझे ना जकड़ ले। व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल, कि जब मैं पूल में अकेला जाऊं। आई ट्राइड इट, लेकिन मैंने इसको ट्राई किया यानी कि मैं अकेला पूल में गया। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, मैं पूरा लेंथ का चक्कर यानी कि स्विमिंग पूल का स्टार्टिंग से लास्ट तक जाके फिर वहीं पे वापस आया। टिनी वेस्टिज ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न। वेस्टिज की मीनिंग होती है स्टूडेंट साइन या ट्रेस यानी कि छाप छोड़ना। तो कह रहे हैं कि मैं स्विमिंग तो अकेले कर लेता था,
पूरे स्विमिंग का चक्कर भी मैंने लगा लिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो डर था वो कहीं ना कहीं मेरे पे वही डर का साइन यानी कि डर का छाप मेरे पे छोड़ जाता था। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू व्हाट टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी ए। तो लेकिन फिर वो कहते हैं कि मैं वो मुझे डराने आता था डर, लेकिन मैं डरावना फेस बनाकर उसको कहता था डर को कि क्या तुम मुझे डराने आए हो। वेल हियर्स टू यू लुक एंड ऑफ आई डिड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल। और देखो अब मैं पूल के दूसरी लेंथ पे भी चला जाऊंगा, मतलब एक साइड से दूसरे तक भी चला जाऊंगा बिना डर के। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, और ये जुलाई तक चलता रहा। तो स्टूडेंट उन्होंने स्विमिंग करना स्टार्ट कब किया था, अक्टूबर में, और अप्रैल में उन्होंने परफेक्ट स्विमर बने थे। लेकिन तब तक जब तक वो इंस्ट्रक्टर से सीखे थे अप्रैल तक, और उसके बाद अप्रैल से लेकर जुलाई तक उन्होंने अकेले प्रैक्टिस की थी। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, आप भी कह रहे हैं कि लेकिन मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल माई टेरर हैड लेफ्ट, अब वो कह रहे हैं कि फिर भी मैं श्योर था कि कहीं ना कहीं कोई तो भय मेरे पास अभी भी है। सो आई वॉन्ट टू लेक वैनफोर्ड इन न्यू हैम्पशायर, डाइव्ड ऑफ ए ड्रॉक एट ट्रिग्स आइलैंड एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइसलैंड। विलियम डगलस कहते हैं कि इस तरह से मैं अपने डर को पूरी तरह से खत्म करने के लिए न्यू हैम्पशायर के वेंटवर्थ में स्विमिंग करने के लिए गया, जहां पर 2 आइसलैंड थे, एक ट्रिग्स आइसलैंड और दूसरी तरफ कौन सा आइसलैंड था, स्टैम्प एक्ट आइसलैंड। तो मैंने स्विमिंग करते हुए ट्रिग्स आइसलैंड के ऊपरी सिरे तक गया और वहां से फिर छलांग लगाकर पानी में आया, और 2 miles तक 2 miles तक स्विमिंग करने के बाद मैं स्टैम्प एक्ट आइसलैंड तक पहुंच गया। आई स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। तो ये सारे स्ट्रोक स्विमिंग के होते हैं स्टूडेंट। तो वो क्रॉल स्ट्रोक मतलब रेंगते हुए स्विमिंग करना, और ब्रेस्ट पे उल्टा लेट कर स्विमिंग करने वाला स्ट्रोक, और साइड स्ट्रोक साइड से हाथों को चलाते हुए स्विमिंग करना, और बैक स्ट्रोक कह रहे मैंने ये सारे स्ट्रोक वहां पर किए स्विमिंग करते हुए। Only once did the terror return. विलियम डगलस कहते हैं कि इतनी स्विमिंग कर ली, इतने स्ट्रोक कर लिए, लेकिन फिर भी वो डर मेरे पास वापस आता है। When I was in the middle of the lake, जब मैं लेक के मिडिल में था, I put my face under and saw nothing but bottomless water. तो मैंने अपना फेस को पानी के अंदर किया जहाँ मुझे bottomless water दिखा, मतलब बहुत ही गहरा पानी जहाँ जिसका बॉटम ही नहीं दिख रहा था। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, और वो जो पुराना सेंसेशन था वो एक स्मॉल साइज में मेरे आगे आया। आई लव्ड एंड सेड, और मैं हंसा और मैंने क्या कहा, वेल मिस्टर टेरर व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी। कह रहे हैं कि मैंने कहा, अच्छा मिस्टर टेरर अब क्या तुम सोचते हो कि तुम फिर मुझे डराने आए हो, तुम मुझे वही डर फिर से दे दोगे। इट फ्लैड एंड आई स्वैम ऑन। तो इसके बाद वो जो डर था वो उड़ गया और उन्होंने स्विमिंग की। येट आई हैड रेजिडुअल डाउट, लेकिन फिर भी कह रहे कुछ बचा हुआ, रेजिडुअल मतलब थोड़ा बहुत बचा खुचा डर या डाउट में मुझे अभी भी था। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, तो ये मेरी पहली अपॉर्चुनिटी थी जब मैं वेस्ट की तरफ स्विमिंग करने गया। वेंट अप द टाइटन टू द कॉनरेड मिडोज, तो वहां पर मैं मिडोज मतलब घास एरिया, कॉनरेड उसका नाम होगा, तो वहां से स्विमिंग करते हुए वो कहाँ पहुंचे, मिडोज तक पहुंच गए, घास के एरिए तक पहुंच गए। अप द कॉनरेड क्रीक ट्रेल टू द मिडेड ग्लेशियर एंड कैंप्ड इन हाई मिडोज बाय द साइड ऑफ वार्म लेक। अब कह रहे हैं कि जब मैं वहाँ मिडोज पे पहुंचा तो वहाँ मैंने कैंपिंग की, यानी कि कैंप लगाकर वार्म लेक के पास कुछ दिनों तक वे रुके। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्टीपर डाइव्ड इनटू द लेक एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक। और अगले सुबह फिर मैंने स्विमिंग की, वेस्ट से स्टार्ट की और वहीं पर वेस्ट दोबारा घूम के पूरी स्विमिंग करते हुए पूल में वहीं वेस्ट पे मैं फिर वापस आया। जस्ट एज द कॉर्पन यूज टू डू, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कि एक फेमस स्विमर है जिनका नाम डग कॉर्पोन है, तो उसी की तरह मैंने स्विमिंग की। आई शाउटेड विद जॉय, और मैं जॉय से चिल्लाया,
मतलब प्रफुल्लित हुए उस समय वो, जब उन्होंने ऐसा किया। वैसे फिर वो घूमकर वहीं पे वापस आए जब वो, एंड गिल्बर्ट पीक रिटर्न द इको, और वो जो माउंटेन था कह रहे हैं, जब मैं जोश के साथ चिल्लाया तो गिल्बर्ट पीक एक माउंटेन था तो वहाँ पे मेरी आवाज़ गूंज रही थी, यानी कि वही आवाज़ ईको की वापस से मेरे को सुनाई दी। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, और अब मैं पानी के डर से बिल्कुल जीत चुका था। स्टूडेंट चैप्टर का लास्ट सेकेंड पैराग्राफ है, द एक्सपीरियंस हैड अ डीप meaning for me as only those who have known its dark terror and conquered it can appreciate. अब विलियम डगलस कह रहे हैं कि मैंने डेथ को और डेथ के आने वाले डर को दोनों ही एक्सपीरियंस किया है, और इसने मुझे जो डेथ का डर होता है उसकी डीप मीनिंग भी मैंने समझ ली है। इन डेथ देयर इज पीस, और डेथ में तो पीस होती है, यानी कि जब हमारी डेथ आने वाली होती है तो हम शांत हो जाते हैं क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं होता। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, तो ज्यादा भय किस में होता है, डेथ के डर में ज्यादा डर होता है, क्योंकि जो डेथ आने का डर होता है, हाय मैं मर ना जाऊं, मैं मर ना जाऊं, तो वो ज्यादा भयानक होता है। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, तो जैसा कि रूजवेल्ट ने कहा था, रूजवेल्ट कौन है, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के प्रेसिडेंट रहे हैं, तो उन्होंने जैसा कि कहा था, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, कि सभी लोग जो कि डरते हैं वो डेथ से ज्यादा डरावना उनका डर होता है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, द विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी। तो विलियम डगलस कह रहे हैं कि मैंने तो दोनों का एक्सपीरियंस लिया है, डाइंग का, डेथ का भी। कब लिया था डेथ का एक्सपीरियंस, जब वे स्विमिंग पूल में उनको धक्का दे दिया था ना, एक 18 ईयर्स के बॉय ने, और वे डूब रहे थे, उनको लग रहा था कि अब मैं बिल्कुल मरने वाला हूँ। तो कह रहे हैं कि डाइंग का एक्सपीरियंस भी मैंने डेथ का भी ले लिया है, और डेथ के जो डराने वाला डर होता है उसका भी एक्सपीरियंस मैंने ले लिया है। अब मेरे अंदर जीने की इच्छा, यानी कि स्विमिंग करने की इच्छा और भी इंटेंसिटी कर गई है, यानी कि वो बढ़ गई है। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइंब द पीक एंड टू ब्रश असाइड द फियर। अब लास्ट में वो कह रहे हैं कि मैंने तो अब मैं बिल्कुल फ्री हो गया हूँ। कहाँ से फ्री हो गया हूँ, ट्रेल्स यानी कि बड़े बड़े रास्तों पर, क्लाइम द पीक्स, बहुत बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन पे चढ़ सकता हूँ मैं, क्योंकि अब मैं गिरूंगा भी पानी में तो मैं स्विमिंग करके बाहर आ जाऊंगा और मैं बच जाऊंगा। तो कह रहे हैं कि अब मैं इससे भी बिल्कुल, इस डर से भी बिल्कुल फ्री हो गया हूँ और मैं परफेक्ट स्विमर बन गया हूँ। एंड टू ब्रश असाइड फियर, और ब्रश मतलब धक्का देकर, मैंने फियर को धक्का देकर साइड पे कर दिया है। इसी के साथ स्टूडेंट हमारा ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप दिस वीडियो लेक्चर इज वेरी हेल्पफुल टू यू। इफ यस, प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।